उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दक्षिण पश्चिम मतदार क्षेत्रामध्ये सिटी सर्वे प्रॉपर्टी कार्ड तक्रार निवारण शिबिर घेण्यात आले आहे. या शिबिराकरिता पत्रपरिषद घेण्यात आली असून पत्रपरिषद याबाबत अधिक माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दक्षिण पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांसाठी नगर भूमापन क्रमांक 2 आणि मधील येणाऱ्या मौजा अंतर्गत सिटी सर्वे आखीव पत्रिका प्रॉपर्टी कार्डबद्दल रविवार 18 सप्टेंबर सकाळी 10 ते 3 पर्यंत तक्रार निवारण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. मौजा बाबुलखेडा अंतर्गत धनोजे कुणबी सभागृह सांकेत नगर सुयोग नगर चौक येथून रविवारी या शिबिराचा शुभारंभ होईल. विशेष म्हणजे या शिबिरात न्यायालयीन प्रविष्ट प्रकरणे वगळता अन्य सर्व प्रकरणांच्या तक्रारीची सुनावणी करून त्याची सोडवणूक केली जाणार आहे. सिटी सर्वे प्रॉपर्टी कार्डबद्दल नागरिकांच्या अनेक तक्रारी असतात. यासाठी त्यांना सतत नगर भूमापन कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. नागरिकांना नगर भूमापन कार्यालयातील कामाचा सारखा होणारा त्रास, कामातील प्रलंबितता, कागदपत्राच्या त्रुट्या यामुळे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. आपले महाराष्ट्र राज्याचे लाडले उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस इनके संकल्पना से ये शिबिर साकार होने जा रहा है. आने वाले 18 सप्टेंबर से तो 12 अक्टूबर तक ये शिबिर 10 जगह आयोजित किया गया है. अनेक प्रकार की समस्या तकरार लेके देवेंद्र जी के पास लोग नागरिक जाते थे और उसमें से उनको पता चला कि जनता को काफी तकलीफ हो रही है. बहुत जल्दी समस्या सॉल्व हो नहीं रही, सालों साल लग रहे हैं. तो इसका उन्होंने दखल ली और उन्होंने हम सबको कार्यकर्ताओं को, मैं इस शिविर का मुख्य संयोजक संदीप गवई माजी नगर सेवक और हमारे साथ साहेबराव जी इंगळे ये सहसंयोजक, आशीष जी पाठक सहसंयोजक और साथ में सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है. हम सब लोगों के नेतृत्व में ये शिविर का आयोजन किया गया है. तो आने वाले समय में लोगों को आखिरी पत्रिका नहीं मिलती, वहाँ पे बहुत बड़ी दलालों की रैकेट है और बहुत लोग यहाँ पैसे की डिमांड करके रोकते हैं और अधिकारी भी उनको किसी प्रकार का समाधान कर नहीं पाते और सालों साल उनको आखिरी पत्रिका से वंचित रहना पड़ता. इस समस्या के लिए हमने समाधान शिविर का, तकरार निवारण शिविर का आयोजन किया है. उसकी सविस्तर माहिती हम लोगों ने आपको प्रेस नोट के माध्यम से तो दी हुई है. तो इसका उद्घाटन 18 सितंबर को बाबुलखेड़ा मौजा से शुरू हो रहा है और 12 तारीख को इसका समापन होगा. कितनी टीम रहेगी इसमें शामिल? सरकारी शिविर होने के कारण सिटी सर्वे नंबर 2 और 3 जिस जिस मौजा में आता है वैसा उस हिसाब से 25 लोग कम से कम अधिकारी वहां पर रहने वाले हैं और वो इस शिविर में सब लोगों की तकरार निवारण करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं. और उसके बाद भी अगर लोगों की भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो और अधिकारी भी आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया. VKB न्यूज साठी कैमेरा पर्सन रोशन बोकड़े सह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.